करने वाले व्यक्ति को शादी करना है नहीं करना है, महिलाओं के साथ खासकर परेशानी होती है। किसी मरीज का इलाज जंग से कम नहीं। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। मिर्गी के मरीजों के साथ भी ऐसा ही होता है। इलाज करवाने की जगह लोग उनसे जुड़ी झूठी कहानियां बनाते हैं। पर आज हम आपको जिन डॉक्टर से मिलवाने वाले हैं, उन्होंने इस अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाई है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद कनकने की। हमारे समाज में मिर्गी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इस बीमारी को लोग भूत प्रेत जादू टोना ऊपरी चक्कर मानकर समय पर इलाज नहीं लेते हैं, जिससे कई बार ये बीमारी लाइलाज भी हो सकती है। मिर्गी बहुत ही कॉमन बीमारी है। भारतवर्ष में 100 में से हर एक व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी है। डॉक्टर अरविंद कनकने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का न्यूरोलॉजी विभाग संभालते हैं। न्यूरोलॉजी से जुड़ी हर समस्या का इलाज उनके पास है। दूर दूर से लोग उनके पास पहुंचते हैं। इलाज करने के साथ साथ वो मिर्गी से जुड़ी झूठी कहानियों को खत्म करने का भी काम कर रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ मरीज खुद भी उनके पास जागरूक होकर पहुंचते हैं। हाँ, कई बार मरीज आते हैं, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर में कई बार इस तरह की फीड जाती है कि मिर्गी रोग को पहचाने और उससे बचाव करें। तो मिर्गी उस न्यूज़पेपर को पढ़कर कुछ लोग अपने पेपर की कटिंग लेकर भी आए, देखो हमने पढ़ा और इस तरह के लक्षण हमें हैं, जिससे कि उनको सही उचित इलाज मिला। कुछ लोग अपने काम से लोगों के लिए फरिश्ता बन जाते हैं। डॉक्टर अरविंद भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। उन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है। हजारों मरीजों को वो ठीक कर चुके हैं। ऐसे कई मरीजों के जीवन को उन्होंने बचाया है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। मिर्गी के मरीजों के बारे में वो कहते हैं, इन्हीं विद्युत की तरंगों से हमारे शरीर के सारे कार्य संचालित होते हैं। जब ये विद्युत की तरंगें किसी वजह से अनियंत्रित हो जाती हैं, तो हमारे शरीर में होने वाली गति, संवेदना या मानसिक परिवर्तन को मिर्गी का दौरा कहते हैं। डॉक्टर मिर्गी के लोगों को बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को इस बीमारी के बारे में बताया जाता है। इससे लोग सही समय पर इलाज करवा कर अपनी लाइफ को सेव कर पाते हैं। डॉक्टर इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। समय समय पर जन जागरूकता कार्यक्रम करते रहते हैं। मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, जिसमें हम यहाँ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम मेडिकल कॉलेज में भी करते हैं। एक बार पिछले साल हमने नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर बड़गांव में भी मिर्गी के ऊपर प्रोग्राम किया था। इसके अलावा हम स्वयं अपने मिर्गी की जागरूकता फैलाने के लिए छोटी छोटी बुकलेट्स बांटते हैं, लोगों को ऑडियो विजुअल दिखाते हैं, मिर्गी के दौरों के बारे में जानकारी देते हैं कि क्या क्या लक्षण दौरे हो सकते हैं, जिनको कि वो समय पर पहचाने और आकर इलाज कराएं। मिर्गी शब्द सुनते ही लोगों का दिमाग चकरा जाता है, लेकिन डॉक्टर अरविंद कनकने जो इस बीमारी के मरीजों के लिए कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। लोकल 18 के लिए शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।